वेलकम टू माय चैनल। हो गई हूँ मैं रेडी। कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ शेयर जरूर करना। सो गाइस, काफ़ी डिमांड आ रही थी कि दीदी आप 50 के होने पर सेलिब्रेशन नहीं करेंगी क्या। सो आप लोगों की डिमांड पर मैं लेके आ गई हूँ अपना सेलिब्रेशन का ये वीडियो। होप आपको पसंद आएगा। आप भर भर के लाइक करेंगे मेरे इस वीडियो को और शेयर भी कर सकते हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली को आगे भी और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमको 50 के तक पहुँचा दिया है। हमारी यूट्यूब फैमिली 50 के की हो गई है और हमारी फैमिली में एक मेंबर और बढ़ चुका है जो कि है हमारा बेटा। और तो मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने बेटे को उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताकर, थोड़ा सा उसको लाड़ और प्यार करके। साथ ही साथ मैं कैसे भूल सकती हूँ अपनी आद्या को साथ में इस तरीके से गोद में लेकर घुमाकर, कैसे भूल सकती हूँ। क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया है, मैं अपनी बेटी को हर एक वीडियो में लाई हूँ और मेरी बेटी की वजह से ही शायद मेरा चैनल जो है वो इतना ग्रो किया है और आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है। आप लोगों ने आद्या को बहुत पसंद किया है। सो गाइस, आज मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि जो मैंने तैयारी की है वो किस कंडीशन में की है। आप देख सकते हो मैं यहाँ बलून को फुलाने की तैयारी में हूँ, लेकिन इनको फुलाने में टाइम जितना नहीं लगता है उससे ज़्यादा मुझे टाइम लगा था। क्योंकि दक्ष है वो रो रहा था, पहले उसको संभालना है देन फिर बलून फुलाना है। तो मैंने तो ज़्यादा नहीं सोचा था, फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, क्या करेंगे। लॉकडाउन में वैसे भी कोई सामान सही से मिल नहीं रहा है। मेरे हस्बैंड तो दो चक्कर काट चुके हैं शॉप के, आई मीन मार्केट के, लेकिन ज़्यादा कुछ चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। तो जितना हो सका है उतना ही किया है मैंने। और लॉकडाउन में आप भी अगर बर्थडे घर में मना रहे हैं या कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपको जितना मिल जाए ना उतने में ही संतुष्ट हो जाना, क्योंकि इतना मिल जा रहा है वही काफ़ी है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दक्ष को बहला कर फुसला कर लिटा दूँगी और अब शुरू करूँगी बलून को फुलाना। मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्कूल गए हुए हैं, उनकी रोज़ की ड्यूटी है, वो रोज़ जाते हैं। उनके आने के बाद वो जब पूरी तरीके से थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेंगे, देन उसके बाद फ्रेश ना होकर अच्छे से वो सामने आएंगे कैमरे के जब हम लोग केक कट करेंगे। और आद्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी सेलिब्रेशन हो तो आद्या लहंगा ना पहने। उसको लहंगा पहनना बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत बार बताया है। उसको इंडियन वेयर बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छे से तैयार होने को भी बोलती है, लिपस्टिक लगाने को कहती है। इससे पहले वो मांग टीका वगैरह सब लगाए हुए थी, लेकिन थोड़ी देर उसने डांस वगैरह किया देन उसके बाद उसने वो मांग टीका वगैरह निकलवा दिया। अब दक्ष है ना जो हमारे सो गए हैं, तो मैंने उनको झूले में लिटा दिया है, आराम से वो सो रहा है झूले में। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, वो फ्रेश होने गए हैं, नहा धो के तैयार होकर अभी मिलेंगे आपको कैमरे के सामने। तब तक मैं फटाफट ये बलून को इसमें चिपका ले रही हूँ। ये जो सामने वाली विंडो दिख रही है ना, इसको इसमें बलून लगाने में सही रहता है यार। सामने की विंडो ना वो सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाती है हमारी। बलून जो है मैंने कम ही फुलाए हुए हैं, सारे मतलब आधे बलून ना उठा कर रख दिए हैं, क्योंकि बार बार फूट फूट की आवाज़ करेंगे ना तो दक्ष को भी जगा देंगे तो वो जग जाएगा। देन बीच में एक दो फूट भी गए, मेरी आद्या है अब तो थोड़ा बहुत तब भी वो बलून के लेती है, पकड़ती है और साथ में बैठती है, उसके साथ खेलती है। लेकिन पहले क्या बताऊँ, सच बताती हूँ मैं कि आद्या बलून के नाम से ही डरती थी। उसके फर्स्ट बर्थडे पर भी हमने बलून नहीं लगाए थे, ना ही उसका फर्स्ट बर्थडे हमने एक होटल में मनाया था और होटल में हम लोगों ने साफ साफ कह दिया था कोई बलून वगैरह नहीं लगेंगे मेरी बेटी के बर्थडे में, क्योंकि उसे डर लगता है। देन धीरे धीरे वो सही हो गई और देखिए अब आराम से बलून के साथ खेलती है। लेकिन हाँ, जैसे ही वो एक फटेगा ना तो ये डरती ज़रूर है। तो ये देखिए हो गई है पूरी तैयारी, कैसी लग रही है छोटी मोटी, सो मुझे ज़रूर बताना।
सारी तैयारी हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे बलून लग चुके हैं, केक वहाँ रखा हुआ है। ये देखिए आध्या लिए कि चाकू पहले से ही तैयार है कट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, यहाँ तक हमको पहुँचाया। हमारी फैमिली 50K प्लस हो चुकी है, और मतलब पहले सोचा था कि नहीं सेलिब्रेट करेंगे, 100 पे ही सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, कोई चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। तो एक दिन गए भी थे मेरे हस्बैंड देखने, मतलब क्या मिल सकता क्या नहीं, तो कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो देन दो दिन बाद मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, जब 50K से 1+ मतलब एक और हो गया है, नहीं 50K प्लस हो चुके हैं। तो हमने चलिए बहुत आप लोगों की मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ सेलिब्रेट कीजिए, प्लीज़ सेलिब्रेट कीजिए, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोग, जैसा भी कर रहे हैं। एकदम छोटा सा कुछ बलून मिलते गए, उन लोगों ने मंगाए थे, वो नहीं लिखा हुआ वो येलो वाले बलून आते हैं फुलाकर, 50K मंगाया था, के वगैरह बना के बना होता, तो वो वाला बलून जो है वो नहीं मिला, इसलिए हमको इन्हीं बलून से काम चलाना पड़ेगा। और मैंने सारे नहीं फुलाए हैं, जो फुलाए थे इतने जो एक दो गिर भी गए हैं, और दस्त की वजह से नहीं फुलाए हैं, क्योंकि फूट रहे हैं बार बार, तो वो जग जाता है। अभी वो सो रहा है, तो उसके सोने से पहले थोड़ी सी क्लिप्स उसके साथ ले ली मैंने, ताकि आज की 50K की व्लॉग में वो भी आ जाए। देन वो अभी सो रहा है, तो मैं उसे जगाना नहीं चाहती हूँ। और आध्या आज सुबह से ही तैयार हो गई थी, सुबह क्या दोपहर से ही तैयार हो गई थी, मैंने खाना वगैरह बनाने के बाद आध्या बोली मम्मी मुझे तैयार कर दो, तो मैंने उसे तैयार कर दिया, मैं भी तैयार हो गई। तो बस सुबह दोपहर से ही लग गए हम लोग काम में, एंड अब जा रहे हैं केक कट करने, तो आ जाइए आप लोग भी। चलिए चलते हैं, अब केक को कट करते हैं। ये केक जो है मेरे हस्बैंड ने बड़े प्यार से मतलब बनवाया है, कहकर इसमें लिखवाया है इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकर एंड 50K प्लस, क्योंकि प्लस हो चुके थे तो मैंने बोल दिया था इनको कि प्लस करवा देना। सो कैसा लग रहा है केक, ये सेलिब्रेशन छोटा सा, हम ही लोग ही हैं, छोटी सी मेरी फैमिली है, इससे अभी दक्ष है वो गायब है, और अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे, ये पता है क्यों, क्योंकि बलून एक फटा बहुत तेज से, एक तो दख थोड़ा सा जगा तो उसको झुला कर आए झूला, देन उसके बाद आध्या ने अपने कान बंद कर लिए थे क्योंकि आध्या डरती है। तो ये हो गया है केक कट। तो ये सबसे पहला बाइट जैसे ही मैंने निकाला तो मेरे हस्बैंड के मुंह से यही निकला, ये पहला बाइट अपने सब्सक्राइबर को दो, वो भी मैं खुद ही देने वाली थी। फ्रेंड्स सबसे पहला बाइट ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से 50K फैमिली होने की तरफ से, तो आगे आप मुझे बढ़ाते रहिए, इसी उम्मीद से ये सेलिब्रेशन कर रही हूँ कि मेरे 100K होंगे तो फिर से मैं 100K के सेलिब्रेशन करूँगी। और तो चलिए ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए। मम्मी मम्मी अब ये खाएगी आद्या मेरी। सो गाइज हो गया है हमारा सेलिब्रेशन, और रात को बनाएंगे अच्छा सा डिनर, वो करेंगे। तो चलिए मैं आज का जो ब्लॉग है यही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ में। अब मेरा ये छोटा सा सेलिब्रेशन ब्लॉग कैसा लगा मेरे साथ शेयर करना, और मुझे जल्दी जल्दी 100K तक पहुँचा दीजिएगा। आध्या केक खाने में लगी पड़ी है, इसके किनारे जो चॉकलेट फ्लेवर लगा था ना वो खा रही है वो। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।